हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। सुधार कमेटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रॉकी मित्तल ने कैथल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पीने के पानी को इकट्ठा करने के भंडार टैंक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि टैंक का पानी पीना तो दूर देखने लायक भी नहीं, पानी में सांप तैर रहे थे। इतना ही नहीं, रॉकी मित्तल ने पाया कि पानी में घास उग गई है और टैंक की सतह पर काई जम गई है। यह टैंक पूरी तरह से गंदगी से घिरा हुआ था। वहीं इसके रखरखाव के लिए कुल 13 अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से मौके पर सिर्फ 3 ही कर्मचारी मौजूद मिले। अभी तालाबों में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बेले लगी हुई थी और काफ़ी सालों से मुझे लगता है सफाई हुई थी। अभी मैंने फिर सीएमओ साहब को कॉल किया था, उन्होंने डॉक्टरों की टीम भेजी है और 2 सैंपल लिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक सबमर्सिबल भी चलाया हुआ, जबकि डायरेक्ट पानी शहर को सप्लाई नहीं कर सकते, उसको पहले फिल्टर करना जरूरी है, वो भी बीच में मिक्स करके दे रहे हैं। बाकी अभी एससी साहब से, एक्शन साहब से बात हुई, अभी जेई साहब भी आ रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या रिपोर्ट बनाते हैं और इसका क्या सर। हाँ, अब तालाब के अंदर था ही, अभी सांप भी घूम रहे हैं यहाँ पे, कीड़े मकोड़े हैं, गंदगी है और मतलब कीचड़ है, काफ़ी है। लेकिन अब देखते हैं कि सैंपल लेने के बाद सैंपल में क्या निकल कर आता है।